बनाने वाले हैं सभी, जो तीन चीज़ों से हो जाती है एकदम तैयार और भी 10 मिनट में। खीर बनाने के लिए मैं 1 kg दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ और चीनी और 1 पॉकेट सेवई का। तो देखिए दूध मैं ओंटने के लिए रखती हूँ। अब मैं कढ़ाई में आप चाहे तो तेल और या घी में भी आप इसको भूज सकते हैं। तो इसको मैं देखिए भूज रही हूँ, तो ये थोड़ा देर आपको भूजना है जब तक ये रेड ना हो जाए। तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा रेड, हल्का रेड रहना चाहिए, दम ब्राउन ब्राउन नहीं करना है। तो ये देखिए ये दम अच्छे से पक रहा है। आपको इसको हल्के मीडियम फ्लेम पर ही करना है। तो ये देखिए पक चुका है, तो इतना ही आपको बस रखना है। देखिए सेवई मेरा अच्छे से भुजा चुका है, अब दूध भी एकदम अच्छे से है ना उबल चुका है। तो दूध उबल गया और मैं अब जो सेवई था तो वो सेवई को मैं अभी डाल दूँगी। तो ये देखिए थोड़ा सा ठंडा करके सेवई को डालना है इसे, और ये देखिए इसे अच्छे से मिला देना है। तो इसे अच्छे से याद रखें, जब डालें तभी इसको अच्छे से मिला दें सेवई को, और इसे ज़्यादा देर नहीं पकने देना है। मतलब आप 1 पॉकेट सेवई इस्तेमाल करें और मीडियम फ्लेम पर आप गैस को रखे हुए हैं, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट या 7-8 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा आपको इसको पकाना नहीं है। तो ये देखिए और ये अब अच्छे से खदक रहा है। तो ये देखिए 5-10 मिनट मैं इसे पका रही हूँ। और सेवई को चाहे तो आप इसमें बाकी ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ चीज़ किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। एकदम नॉर्मल 3 चीज़ में बनने वाली सेवई बना रही हूँ और एकदम टेस्टी सेवई बना रही हूँ। तो याद रहे दूध में थोड़ा भी पानी नहीं डालना है, और इसको मैं हाई फ्लेम पर नहीं बनाना है, एकदम मीडियम फ्लेम पर बनाना है। आप मीडियम हो सके तो लो फ्लेम भी कर ले, लो फ्लेम पर ही करें, नहीं तो दूध को अगर आप हाई फ्लेम पर रखोगे तो दूध ही उधी आके गिर जाएगा पूरा। तो ये देखिए सेवई लगभग तो लग रहा है कि जैसे सीख चुका है। और अभी इसे चेक करने का तरीका होता है कि आप पहले जो सेवई होता है ना उसको आप ले लीजिए। तो देखिए मैं जिस तरह ले रही हूँ, तो सेवई को आप ले लीजिए और उस सेवई को मतलब कि हाथों से है ना तो ऐसा करके देखिए कि वो सीजा हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए सेवई लग रहा है कि हाँ सीज चुका है इसको, तो आपके देखिए। अब मैं 1 ढक्कन चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसका आपके हिसाब से 1 कप और 1/2 कप हो जाएगा। तो उसी को चीनी को रख दिए, और चीनी रखने के बाद आपको थोड़ा देर बस है ना गैस पे रखना है और उसके बाद ऑफ कर देना है। तो ये देखिए अब मैं इसको गैस में रख कर उसे अच्छे से मिला दी हूँ और सेवई को। तो देखिए अच्छे से मिला गई हूँ और मैं गैस भी ऑफ़ कर दे रही हूँ। तो देखिए हमारा सेवई बन के एकदम अच्छे से हो चुका है तैयार, और खाइए आप इसे पूरी सब्जी के साथ। तो देखिए हाँ देखिए एकदम लो फ्लेम था तो इसे मैं ऑफ़ कर दे रही हूँ, अब मैं इसे सर्व कर ले रही हूँ। तो ये देखिए मेरा हमारा लाजवाब टेस्टी टेस्टी खीर हो चुका है तैयार। तो खाइए इसे आप सब। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार आप सभी को, बाय बाय।